हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज माय ट्रिप शेयर के ऊपर। अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो इस स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 350 के लेवल के ऊपर स्टॉक में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया 450 के लेवल तक। इनफैक्ट अगर हाई देखेंगे तो 477 के राउंड का है, बट उसके बाद से स्टॉक जो है कंटिन्यूसली आपको एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 350 टू 450 इस रेंज में स्टॉक जो है ऑलमोस्ट मार्च के मंथ से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको एक पॉसिबल अपसाइड होगा वो होगा 450 के लेवल के ऊपर। जब तक 450 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आपको यहाँ पे फ्रेश पोजिशन नहीं बनाना चाहिए। नीचे की साइड अगर 350 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर वापस से इस स्टॉक में हम लोगों को 250 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आपको वेट करना चाहिए दो लेवल्स का। या तो 450 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने दीजिए वीकली कैंडल को, या फिर जो है 250 के लेवल का वेट कीजिए जहां पे कि आपको नेक्स्ट सपोर्ट है। क्योंकि अगर यहां पे ब्रेकडाउन देगा तो फिर जो है काफ़ी अच्छा नीचे की साइड मूवमेंट होगा। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर ये बाइंग साइड कंसोलिडेशन हो रहा होगा तो ऊपर की साइड काफ़ी अच्छा मूवमेंट देगा। अगर यहाँ पे सेलिंग साइड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो फिर जो है यहाँ पे डाउन साइड में एक अच्छा मूव आएगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है जो मार्केट क्या करने के लिए बोल रहा है। अगर 450 के लेवल के ऊपर निकलता है बाई कीजिए, 350 के लेवल के नीचे निकलता है यहाँ पे आप सेल कीजिए। इन बिटवीन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इन बिटवीन जो है आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्ले कर सकते हैं, जहां पे कि आप 350 के लेवल के राउंड एक रिवर्सल साइन मिलने पे बाई साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।